Everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about Hilda Taba model, जो कि 1962 में प्रपोज किया गया था एंड इसको हम ग्रास रूट मॉडल भी बोलते हैं. तो मैंने बहुत सिंपल से नोट्स प्रिपेयर किए हैं हिल्डा टाबा मॉडल के, जिसके थ्रू आपको एक बेसिक सा आइडिया और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का वे मिल जाएगा. ओके, अगर हम हिल्डा टाबा मॉडल की बात करें तो ये इंक्लूड करता है इंडक्टिव अप्रोच को. ठीक है, ये एक इंडक्टिव अप्रोच है और टीचर इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है. किसमें? हिल्डा टाबा मॉडल में. ओके, सो अब हम इसके बारे में बेसिकली इसकी लिमिटेशन, एडवांटेजेस और इसके 7 स्टेप्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट. एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें हिल्डा टाबा मॉडल की, तो इसमें जो है हमें पता लग गया ये इंडक्टिव अप्रोच है, टीचर इम्पॉर्टेंट है. और इस मॉडल के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा था कि ओनली टीचर नोज द स्टूडेंट नीड, हेंस ही शी शुड डेवलप द करिकुलम. ठीक है, कि करिकुलम को अगर डेवलप करना है तो टीचर को ही करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक टीचर को ही पता है कि स्टूडेंट की नीड क्या है. मींस इसमें जो हमारी प्रायोरिटी थी वो टीचर था. ठीक है, और ये ग्रास रूट अप्रोच है. तो आपको इतना सा बेसिक आइडिया लग गया कि हिल्डा टाबा मॉडल में आपको करना क्या है. अब जो मेन स्टेप थे, दैट इज 7 स्टेप्स ऑफ हिल्डा टाबा मॉडल. और 7 स्टेप यही थे कि सबसे पहले हमें देखना है स्टूडेंट्स की नीड क्या है. वो कौन देखेगा? और टीचर ही. हमने इसमें क्या बोला? टीचर ही इम्पॉर्टेंट है, टीचर को ही सब कुछ पता है, टीचर ही प्रायोरिटी है. फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, किस तरह से हैं. सिलेक्शन होगी लर्निंग कंटेंट की, कि क्या क्या कंटेंट जो है प्रेजेंट करना चाहिए जिससे लर्निंग जो है इंक्रीज हो, सिलेक्शन करेंगे हम. ठीक है, आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हर चीज़ की इंपॉर्टेंट होती है. फिर सिलेक्शन होगी लर्निंग एक्सपीरियंस की, कि कैसा उन कंटेंट के थ्रू एक्सपीरियंस रहा बच्चे का, या टीचर्स ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, जो भी था वो उन चीज़ों का सिलेक्शन रहेगा. आफ्टर दैट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. अब उन ऑब्जेक्टिव्स को अगेन ऑर्गेनाइज करेंगे और इवेल्युएशन करेंगे. तो ये जो थे ये 7 स्टेप थे हिल्डा टाबा मॉडल के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे. आफ्टर दैट अगर एडवांटेजेस की बात करें, तो यहाँ मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू इसको नहीं बनाया है, लेकिन आप यहाँ पे अगेन फ्लो चार्ट बनाएंगे एडवांटेज को रख के. देन इस तरह से रोल ऑफ टीचर, कि टीचर को बहुत प्रायोरिटी दी गई थी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल था, टीचर ही जानता था स्टूडेंट की नीड को. तो टीचर को ही ये पावर दी गई थी कि वो करिकुलम को डिफाइन करे, करिकुलम को एडजस्ट करे और डेवलप करे. ओके, इट यूज़ द इंडक्टिव अप्रोच. ठीक है, कि ये इंडक्टिव अप्रोच को ही यूज़ कर रहा है. और चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, जो टीचर जो करिकुलम को डिज़ाइन करेगा वो चाइल्ड सेंटर्ड होगी, बेस्ड ऑन नीड्स. नीड्स में खास ध्यान रखा गया था. किसकी नीड्स? बच्चों की नीड्स को. हाई थिंकिंग स्किल यूज्ड, उन्होंने ऐसा कहा था कि जब टीचर हमारा करिकुलम डेवलप करेगा तो वो हाई थिंकिंग के थ्रू करेगा. ठीक है, कि वो अपनी पूरा मेंटली प्रिपेयर होके देखेगा कि बच्चे को क्या नीड है, कैसा है, तो वो पूरी हाई थिंकिंग के थ्रू होगा. देन डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स सच एज समराइजिंग. ठीक है, मतलब टीचर ही सब कुछ देखेगा किस तरह से स्किल को डेवलप करना है, एज अ प्लान ऑफ लर्निंग, लर्निंग किस तरह से होगी. बट साथ ही साथ इस मॉडल की कुछ लिमिटेशन भी थी, जिसकी वजह से इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं मिली. एंड दैट इज, इट इज़ नॉट सो ईजी फॉर टीचर. हर एक टीचर ये ध्यान नहीं देख सकता कि बच्चे की नीड्स क्या हैं. करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए ही करिकुलम था, स्टूडेंट के बेस्ड पे ही. बट ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए डिफ़ाइन किया गया करिकुलम हमेशा अच्छा ही हो, क्योंकि बच्चे की नीड्स टाइम टू टाइम चेंज करती हैं. एंड डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट टू हैंडल ओपन एंडेड एस्पेक्ट्स, कि टीचर उस करिकुलम को डिज़ाइन कर रहा है बट स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं वो डिफ़िकल्ट भी हो सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिल्डा टाबा मॉडल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.